वर्मा जी नमस्कार पहला गेट पर साधु सोनी आबाद सोनी हां वर्मा जी हां वो तो है ये सगंदर जी आइए इधर मेरे बने नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है और जमीन सर्वेक्षण का काम इसलिए चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये सोच थी कि अगर लैंड सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, जमीन सर्वेक्षण का काम हो जाएगा, तो बिहार में जो भूमि विवाद के कारण कई लोगों की हत्या होती है, आपराधिक घटनाएँ बढ़ती हैं, वो अब उतनी नहीं होंगी, उसमें कमी आएगी और बिहार में लैंड सर्वे हो जाने के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन लैंड सर्वे के बहाने क्या बिहार में सच में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है? विपक्ष नेता अक्सर ये दावा करते हैं, विपक्षी दलों के नेता अक्सर आरोप लगाते हैं बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, घुसखोरी चल रही है अंचल कार्यालय में, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अब विश्वास करना पड़ेगा। एक वीडियो निकल के आ रहा है, तस्वीर देखिए। ये वीडियो जो है वो चकबंदी कार्यालय दिनारा का है, जहाँ पर बड़ा बाबू है नागेश्वर नाथ सिंह, उनका नाम बताया जा रहा है, वहाँ के बड़ा बाबू है नागेश्वर नाथ सिंह नाम है उनका। और चकबंदी कार्यालय में खुलेआम रिश्वत लेते प्रधान लिपिक खतियान का नकल देने के एवज में, यानी कि खतियान का वो नकल देंगे, कॉपी देंगे, इसके एवज में प्रधान लिपिक जो हैं वो घूस ले रहे हैं। प्रतिदिन लाखों रुपए की उगाही होती है, जो यहाँ के लोग कहते हैं, और जो खतियान का नकल ले रहे हैं यानी कि उसकी कॉपी ले रहे हैं, उसमें 600 रुपए कम होने पर भी पैसा वापस कर रहे हैं कि नहीं 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 600 रुपए कम है, इसमें हम नहीं लेंगे। सोचिए आम लोगों का क्या हाल है, अपना ही कागज़ निकलवाने में कार्यालय में जा करके जिलों में क्या हाल है, वीडियो देखिए। राजाराम भाई ना अब हमारा भी नहीं वर्मा जी पहला गेट पर साधु सोनी आबाद सगंदर जी तो आपने ये वीडियो देखी है, इस वीडियो में कैसे घूस लिया जा रहा है, हम बिना किसी देरी के फिर एक बार वो वीडियो दिखाना चाहेंगे। देखिए कैसे ये कहा जा रहा है कि नहीं हम पैसा नहीं लेंगे। आम लोग जो हैं, जो धोती पहनते हैं गांव में, जो ग्रामीण लोग हैं, वो काफ़ी तबाह हैं इस चीज़ से। और ये तो सिर्फ दिनारा का वीडियो निकल के आया है, बताया जा रहा है वहाँ के जो बड़ा बाबू हैं, क्या वहाँ तक भी जा रहा है, उससे ऊपर तक भी जा रहा है? भाई लक्ष्मी है, लक्ष्मी हर घर तक जानी भी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी ऐसे जानी चाहिए दूसरे का जेब काट कर, दूसरे को सही कागज़ देने के एवज में वहाँ से पैसा लिया जाता है, और वो भी मजबूरन, एक फिक्स्ड रेट है, उतना ही फिक्स्ड चार्ज आपको देना है, उतना रेट आपको देना है, अगर उतना नहीं देंगे तो फिर समझिएगा उससे थोड़ा सा भी कम होगा हम नहीं लेंगे और आपको कागज़ भी नहीं देंगे। तो सोचिए बिहार में ज़मीन सर्वे के नाम पर कितनी घुसखोरी हो रही है। एक वीडियो जो हमने आपको दिखाया है, देखिए बक्सर से सांसद हैं सुधाकर सिंह आरजेडी के, उन्होंने भी इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और अक्सर वो कहते हैं बिहार में लूट मची हुई है। क्या लैंड सर्वे के नाम पर, जमीन सर्वेक्षण के नाम पर बिहार में सच में एक बड़ी लूट मची हुई है, जिस कारण से आम लोगों को काफ़ी फजीहत हो रही है? लैंड सर्वे में इतनी लूट मची रहेगी, कुछ ऐसे ऐसे वीडियोज़ आएंगे ज़िलों से, तो काफ़ी फजीहत होगी सरकार की। लैंड सर्वे, जमीन सर्वेक्षण सोच तो अच्छी थी, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। क्या सच में वो ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या क्या समस्याएं आपके गांव में हो रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।